देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र ग्राम देवरिया सलपुर में दिनांक 9 तारीख को बारात में आए दूल्हे की गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया और ड्राइवर को भी मारा। गाड़ी का ड्राइवर भागवत शर्मा पुत्र अनिरुद्ध शर्मा का कहना है कि मैं ग्राम परसिया बंसी बर्थुआ से बारात में दूल्हे की गाड़ी को लेकर ग्राम देवरिया सल्लहपुर गया था और दुल्हन के दरवाजे पर अपनी गाड़ी खड़ा कर गाड़ी के अंदर ही मैं सोया था कि अचानक कुछ लोग आकर मेरे गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ना चालू कर दिए और अभी मैं कुछ सोच पाता कि मेरे पर भी हमला बोल दिया, जिस पर मैं भाग कर अपनी जान बचा कर मैं दुल्हन के घर में जाना चाहा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से पहले ही बंद है। फिर मैं पीछे मुड़कर भागा तो मुझे बुरी तरीके से मारे। जब मैं जमीन पर अचेत होकर गिर गया तो मुझे मरा समझकर छोड़कर वहां से चले गए। जब भटनी थाना सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचे पुलिस ने मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी भर्ती कराया और मेरा इलाज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट भी संदेश। जो आपको चोट लगी है इस वजह से लगी है, आपका क्या दिक्कत है? बारात में झगड़ा हुआ था, बच्ची पीछे से। बारात में झगड़ा हुआ था, क्या आप क्या करने बारात में गए थे? गाड़ी लेकर गए थे दूल्हे की। दूल्हे की गाड़ी लेकर गए? हाँ। नौ तारीख से बारात लेके गए थे? भरथुआ से। परसिया बंसी भरथुआ से। क्या नाम था लड़के पिता का? राम इकबाल यादव। अच्छा, राम। उनके घर से बारात लेकर गए थे दूल्हे की गाड़ी लेकर। और लड़की वाले के क्या नाम था? लड़की वाले का राम लक्षण यादव, ग्राम देवरिया सल्लापुर थाना भटनी में गए थे। ये कब घटना घटी है? रात में 12 बजे कर। क्या हुआ था? हम गाड़ी में सोए थे, उधर क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। मैं दूल्हे की गाड़ी लेकर द्वार पर सोए थे गाड़ी लेकर, उसके बाद 4-5 लोग आए हाकी लेकर और मारना शीशा फोड़ने चालू कर दिए। हमने बोला कि शीशा क्यों फोड़ रहे हैं, तो हमको मार दिए सब दौड़ा के। कैसे मारे? हाकी से। और आपको वार करने वाले कितने लोग थे? 6 लोग थे। 6 लोग थे। किसी को आप पहचानते हैं, जानते हैं? जी नहीं जानते हैं। लड़की वाले हम दरवाज़ा खोल कर तुरंत भागने लगे तो शटर बंद था तो हम खेत में गए। खेत में उन लोग चुटिया कर हमको और मारा। किसका शटर बंद था? वो बेटिया का। बेटिया? क्या बेटिया भी आपको मिल कर मिल रहे हैं क्या? नहीं। फिर क्यों शटर बंद करके वो लोग? वहाँ पे कोई नहीं था, मैं बस अकेला ही था। तो आपको बाहर करके और बेटिया घर अंदर रखते तो क्या मतलब पूरा साजिश होगा, तभी तो मार खाएंगे आप? नहीं, हम तो गाड़ी में थे, गाड़ी से मारे और बस हम निकल कर भागे। और एक नबदान है उसी पर हम लुका गए, बस पुलिस वाले हमको आए कि उठा कर ले गए। पुलिस वाले भी आए थे वहाँ? जी। तो कैसे आपको कैसे छोड़ दिए पुलिस वाले? हमको ले आए और पूरा देखे, मानो ब्लड व्लड गिरा था तो हम लोग को सलाए वलाए हमको पूरा, और एम्बुलेंस से हमको भटनी हॉस्पिटल में भेजे। अभी क्या गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बेटी एक द्वार पर है, बेटी के दरवाजे पे है जी। पुलिस द्वारा क्या सहायता मिली आपको? अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। आपके द्वारा क्या दिया गया जी?